बसमिल टुडे आवर कंप्यूटर एंड इट्स बेसिक ऑपरेशंस आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस क्या है मतलब अगर माइक्रो कंप्यूटर है मेन फ्रेम है सुपर कंप्यूटर है लैपटॉप है टैबलेट है या जो मोबाइल कंप्यूटर है इनके बेसिक ऑपरेशन हैं जो हर एक कंप्यूटर करता है अ कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन हदायात जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हदायत होते हैं इन इट्स ओन मेमोरी देट कैन एक्सेप्ट डेटा कंप्यूटर डेटा एक्सेप्ट करता है प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल और जो रूल्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके मुताबिक डेटा को प्रोसेस करते हैं प्रोसेसिंग मीन एडिशन सब्रिक्शन मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अ आउटपुट एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़ द कंप्यूटर कैन डू आल दीज ऑपरेशन विद वेरी हाई स्पीड एज कंपेयर टू ह्यूमन एक इंसान की स्पीड कम होती है जबकि कंप्यूटर सेकेंड के हजारवें हिस्से में बहुत बड़ी तादाद में कैलकुलेशन कर सकता है आल कंप्यूटर परफॉर्म फोर बेसिक ऑपरेशन तमाम जितने भी कंप्यूटर हैं जिस तरह मैंने बताया है चाहे मेन फ्रेम है कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर है उनके फोर बेसिक ऑपरेशन है जो हर एक कंप्यूटर करता है पहला है इनपुट जिसके ज़रिए वो डेटा लेता है प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज टू केरी आउट एनी टास्क किसी भी काम को सर देने के लिए वो इनपुट करता है प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज द फर्स्ट ऑपरेशन इज़ इनपुट ऑपरेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग और एक्सेप्टिंग डेटा ये वो मरहला है जिसमें कंप्यूटर डेटा को कैप्चर करता है एक्सेप्ट करता है बाई यूजिंग इनपुट डिवाइस कौन कौन से इनपुट डिवाइस है माउस है की बोर्ड है जो स्टिक है लाइट पेन है स्कैनर है ये सारे इनपुट डिवाइस हैं इन इनपुट डिवाइस के ज़रिए कंप्यूटर डेटा लेता है एक्सेप्ट करता है अच्छा इनपुट कैन है टेक अ वाइटी ऑफ फॉर्म्स फ्राम कमांड्स वी इंटर बाय द कीबोर्ड टू डेटा फ्राम एन कंप्यूटर कम्प्यूटर आर डिवाइस प्रोसेसिंग ऑपरेशन इट इज़ द ट्रांसफार्मेसन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो इनपुट डेटा दी जाती है उसको तब्दील किया जाता है इनफॉर्मेसन में टू कन्वर्ट द इनपुट इन टू आउटपुट जनरल द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म प्रोसेसिंग टास्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम टू प्रोसेस डेटा द सी पी यू स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्श जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन होते हैं एंड द डेट एंड द कम्प्यूटर्स मेमोर जो डेटा होता है जिसपे प्रोसेसिंग करनी होती है वो दोनों मेमोरी में होते हैं वेयर इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल फॉर द सीपीयू अब इस डायग्राम से पता चल रहा है कि आपके पास ये इनपुट है ऑपरेशन इनपुट डिवाइसेस के जरिए होता है वो डेटा प्राइमरी मेमोरी रैम में आता है और रैम से फिर वो दिया जाता है कंट्रोल यूनिट इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल यूनिट हिदायत है अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट को केस को ऐड करो मल्टीप्लाई करो क्या करो डेटा के साथ जब प्रोसेसिंग हो जाती है फिर वो जो जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है और आउटपुट स्क्रीन आउटपुट डिवाइस के ज़रिए आउटपुट ऑपरेशन के ज़रिए वो दिखाया जाता है मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी अल्लाह हाफिज़